यदि आप भी उनमें से एक हैं जिन्हें ट्रेवल करते समय सामना करना पड़ता है सिर दर्द, जी मचलना और वॉमिटिंग जैसी प्रॉब्लम्स का, तो अगले 3 मिनट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। वेलकम डियर्स, आई एम निंबाराम चौधरी एंड व्हाट वी आर गोना अंडरस्टैंड टुडे इज मोशन सिकनेस। इससे पहले एक 10 सेकंड की रिक्वेस्ट जिसमें आपको बस 1 सेकंड लगेगा। एनालिटिक्स बता रही है कि वीडियो देखने वाले 50-60% लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। गलत बात है यार, सब्सक्राइब करो, अच्छा लगता है। ओके, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। सो व्हाट इज द मोशन सिकनेस इन द फर्स्ट प्लेस? अगर आप कार, बस, ट्रेन, प्लेन या बोट से ट्रेवल करते समय खुद को बीमार महसूस करने लगते हैं, आपको सिर दर्द होता है, जी मचलता है, समटाइम्स इवन उल्टियां भी होती है, तो बस यही है मोशन सिकनेस। सबसे पहले हमें इसके पीछे की वजह समझनी होगी, व्हाई डज इट हैपन। बॉडी का बैलेंस बनाए रखने के लिए हमारी आईज, हमारे इनर ईयर्स और अन्य अंगों में स्थित सेंसरी रिसेप्टर्स हमारे ब्रेन को सिग्नल्स भेजते रहते हैं। जब ये पार्ट्स कॉन्फ्लिक्टिंग यानी विरोधाभासी इन्फॉर्मेशन भेजते हैं तो हमारा ब्रेन डिसाइड नहीं कर पाता है कि हम स्थिर हैं अथवा मूव कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कार से ट्रेवल करते हैं, आपकी आँखें पेड़ों आदि को पास से गुजरते हुए देखती हैं और ब्रेन को सिग्नल देती है कि आप गति कर रहे हैं। इनर ईयर का वेस्टिबुलर सिस्टम कार में बम्प्स, टर्न्स और लगने वाले झटकों को सेंस करता है और सिग्नल देता है कि आप गति कर रहे हैं। आपकी मसल्स एंड जॉइंट्स के सेंसर सिग्नल देते हैं कि आप स्थिर बैठे हुए हैं, शरीर में कोई गति नहीं है। अब जब इस प्रकार अलग अलग तरह के कन्फ्यूजिंग सिग्नल्स ब्रेन को मिलते हैं तो ब्रेन को लगता है कि इस महामानव ने कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया है और इसलिए ये हेलुसिनेशन पैदा हो रहा है। यही कारण है कि आप असहज महसूस करने लगते हैं, आपका स्टमक रिएक्ट करने लगता है और मोशन सिकनेस की स्थिति बनती है। अब एक सवाल यह कि यह किस किस को प्रभावित करती है। मोशन सिकनेस किसी को भी हो सकती है। दुनिया में प्रत्येक 3 में से 1 व्यक्ति कभी ना कभी इसका शिकार होता ही है। फिर भी 2 से 12 साल तक के बच्चों और महिलाओं, विशेषतया गर्भवती महिलाओं में यह सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। हालांकि मोशन सिकनेस लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, पर यह ट्रैवलिंग का सारा मजा किरकिरा कर सकती है। अब मेन कंसर्न यह है कि इसे रोकें कैसे, हाउ टू प्रिवेंट इट। ट्रैवलिंग आपके लिए सजा की बजाय मजा हो, इसके लिए आपको एक चीज दिमाग में रखनी होगी और वह चीज है प्लान बिफोर यू बोर्ड। यानी ट्रैवलिंग शुरू करने से पहले ही सब कुछ प्लान कर लें कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। यही तय करेगा कि आपकी यात्रा कैसी रहेगी। पॉइंट नंबर 1, आपका चेहरा हमेशा आगे की ओर होना चाहिए। आपकी बैठने की जगह काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। कोशिश करें कि अगर आप कार से ट्रेवल कर रहे हैं तो फ्रंट सीट पर बैठें, बस में विंडो सीट लें, ट्रेन में फॉरवर्ड फेसिंग विंडो सीट और प्लेन में विंग सेक्शन में विंडो सीट आपके लिए सबसे अच्छी रहती है। इन सीट्स पर सबसे कम बम्प्स लगते हैं और आप दूर स्थित स्टेबल ऑब्जेक्ट्स अथवा हराइजन को आराम से देख सकते हैं। अगर आप ड्राइविंग जानते हैं तो ड्राइविंग सीट आपके लिए बेस्ट है। ध्यान दें, यह रोड ट्रांसपोर्ट के लिए अप्लाई होता है। प्लेन में प्लेन फ्लाई करने की जिद ना करें, आपकी मोशन सिकनेस के चक्कर में औरों को लूज मोशंस हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, आप डिस्टेंस पर स्थित किसी स्टेबल ऑब्जेक्ट अथवा हराइजन को देखें। मूविंग ऑब्जेक्ट्स लाइक पासिंग कार्स और रोलिंग वेव्स इन केस यू आर ऑन अ बोट को नहीं देखें। अगर आप बाहर की ओर देखना नहीं चाहते, अपनी सीट को पीछे कर लें, आंखें बंद करके आराम से बैठने या सोने की कोशिश करें। पॉइंट नंबर 3, गेट प्लेंटी ऑफ एयर। अपनी तरफ हवा आने दें, कार के शीशे डाउन कर लें या एसी के एयर वेंट्स अपनी तरफ कर लें। फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, दैट शुड बी स्लो एंड डीप। ट्रेवलिंग से पहले अच्छी नींद लें, बहुत सारा पानी पिए, एल्कोहल व स्मोकिंग को बिल्कुल अवॉइड करें। ट्रेवलिंग के पहले व दौरान हल्का खाना खाएं, भारी मसालेदार या एसिडिक फूड न खाएं, बिल्कुल खाली पेट भी न रहें। लंबी जर्नी है तो बीच में ब्रेक जरूर लें। ट्रैवलिंग के दौरान कुछ भी पढ़ें नहीं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का प्रयोग भी नहीं करें। अम्यूजमेंट पार्क राइड्स जैसे झूलों वगैरह में न जाएं यदि आपको इस तरह की समस्या होती हो। इसके अलावा आप ट्रैवलिंग से 2 घंटे पहले स्कोपोलामिन या डायमेनहाइड्रिनेट जैसी मेडिकेशंस भी ले सकते हैं।
So friends, that's it for today. I hope you learned something new, and if this is the case, you may share the video with more and more amazing people like you. And please consider subscribing the channel. I'll see you in the next video. Until then, keep learning.